नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पास प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ऐसा राजा है जिसका मानना है कि जब वह फैसला करता है तो जनता को चुप रहना चाहिए। पहले के प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया, वह किसानों की और जनता की बात सुनते थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों, युवाओं, श्रमिकों व गरीबों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं करेगी, वह उनके साथ साझेदारी चाहती है। नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के बीच एक साल के लिए किसानों को सड़कों पर छोड़ दिया। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कर सकती। वह गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों और सरकारों के बीच साझेदारी थी। उस समय सरकार के दरवाजे आपके लिए खुला करते थे, वह बंद नहीं थे। राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ने के लिए किसानों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में किसान पहाड़ जैसे खड़े रहे, एक इंच हिले नहीं और एक कदम पीछे नहीं गए। किसानों ने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। इस सरकार को यह बताना बहुत जरूरी था, आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, रास्ता भी दिखाते हो। सालों से यह क्रम जारी है। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, किसानों और मजदूरों ने लड़ी थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।